गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या, ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। ममता बनर्जी ओवैसी से हाथ मिला ले तब भी बंगाल में भाजपा जीतेगी, कैलाश विजयवर्गीय। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब पूरे देश की नजर बंगाल चुनाव पर है। भाजपा यहां पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। सत्तारूढ़ तृणमूल भी भाजपा के प्रभाव विस्तार से परेशान है। बंगाल भाजपा के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में भाजपा ने यहां पर पैठ बढ़ाई है। पिछले दिनों भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार यहां पर रैलियां करके पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या, जय श्री राम का नारा सहित तमाम मुद्दों को लेकर ममता सरकार को घेर रहे हैं। शुक्रवार को एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल की हिंसा की राजनीति अन्य राज्यों से पूरी तरह अलग है, मैं यहां हिंसा की राजनीति को पूरी तरह खत्म करने आया हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला ले तो भी बंगाल में हम ही जीतेंगे। ओवैसी के सवाल पर भड़की ममता, ऐसे लोगों का नाम लेकर पॉपुलर क्यों करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि एमआईएम के चुनावी मैदान में उतरने से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोटों के बंटने का डर है। ओवैसी खुद ममता को साथ लेकर चुनाव लड़ने का ऑफर दे चुके हैं, लेकिन जब ममता बनर्जी से ओवैसी पर सवाल किया गया तो वह भड़क गई। एक समाचार चैनल से बातचीत में जब ममता से ओवैसी को लेकर सवाल किया गया तो ममता ने कहा कि मीडिया उन्हें इतना लोकप्रिय बनाने में क्यों जुटी है। ममता ने कहा, उसका नाम लेकर इतना पॉपुलर क्यों करते हो, टीवी पर नाम क्यों लेते हो। ममता ने आगे कहा, अगर वह बंगाल आना चाहते हैं तो आने दीजिए, खाने दीजिए, बोलने दीजिए, रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर बिहार को मिलेगा एक और नया एनएच, बिदुपुर से पूर्णिया तक बनेगा 4 लेन हाईवे। उत्तर बिहार को एक और नया नेशनल हाईवे मिलेगा। कोसी और पूर्णिया प्रमंडल को पटना से सुगम संपर्कता प्रदान करने के लिए ग्रीन फील्ड यानी एक नए 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क की शुरुआत वैशाली के बिदुपुर से होगी जो पूर्णिया में समाप्त होगी। पथ निर्माण विभाग अभी इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से इस सड़क का निर्माण पूरा किया जाएगा। मुआवजा देने के साथ ही गैस पाइपलाइन परियोजना में आई तेजी, गंगा ऊर्जा योजना से बदल देगी किस्मत। ऊर्जा गंगा योजना के तहत बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत मुआवजा भुगतान का काम करीब 50% पूरा हो चुका है। बाकी मुआवजा भुगतान का काम भी जल्द ही हो जाएगा। कार्यकारी एजेंसी गेल के इंजीनियर गोपाल सिंह ने कहा कि करीब 5 किलोमीटर तक जमीन के अंदर खुदाई कर पाइप बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। इसके बाद ठाकुरगंज और पोठिया प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र बहादुरपुर बुड़नई के पास ठाकुरगंज की सीमा में जोड़ा जाएगा। खारुदू पंचायत में गैस परियोजना के तहत शिविर लगाकर मुआवजा भुगतान का काम पूरा किया गया। इसके बाद से कार्य में तेजी आई है। फिलहाल पोठिया प्रखंड के सोनपुर डूबानोची सारनी गांवों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, मंत्री के निर्देश देते ही अमल में आई नई व्यवस्था। बिहार में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के आयुक्त न्यायालय से जुड़े मामलों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। किस तारीख को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई होनी है और कितने मामलों की सुनवाई होगी, इसकी पूर्व सूचना सार्वजनिक की जाएगी। इससे केस से जुड़े लोगों और गवाहों को तो सहूलियत होगी ही, विभाग के पास भी ऑनलाइन डेटा उपलब्ध होगा। गुरुवार को विभागीय समीक्षा के दौरान मंत्री सुनील कुमार ने इससे जुड़े निर्देश दिए। मंत्री की समीक्षा के तुरंत बाद ही उत्पाद आयुक्त से जुड़े न्यायालयों की सूचना ऑनलाइन सार्वजनिक कर दी गई। सरस्वती पूजा में नहीं बजेगा डीजे, मूर्ति विसर्जन पर भी रोक। बिहार में सरस्वती पूजा के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। ये नई गाइडलाइंस कोरोना को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसके तहत पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। बिहार पंचायत चुनाव 2021, ईसी ने बनाया हाईटेक कंट्रोल रूम, शिकायत सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर जारी।
बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया है। फोन के अलावा ईमेल के जरिए लोग शिकायत और सुझाव दे सकते हैं। जानकारी के अनुसार पिछले चुनाव के जैसा इस बार भी राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य मुख्यालय में मतदाताओं के शिकायत व सुझाव को लेकर कॉल सेंटर बनाया है। बिहार में सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए फरमान कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति से पहले देना होगा शपथ पत्र। बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान शैक्षिक स्तर से हाई स्कूल विहीन पंचायतों में नौवीं की पढ़ाई आरंभ करने को लेकर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को 32,916 पद सृजित किए थे। ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद होने की वजह से विभाग ने हाल ही में संकल्प जारी कर केंद्र और राज्य सरकार के स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को इन स्कूलों में संविदा पर नियोजित करने का निर्णय लिया है। शहनवाज का ऐलान, बिहार केवल कंज्यूमर राज्य या गोडाउन नहीं, टेक्सटाइल उद्योग का बनेगा हब। बिहार में टेक्सटाइल उद्योग की असीम संभावनाएं हैं। कोरोना काल में लौटे श्रमिकों में 70% टेक्सटाइल क्षेत्र से ही हैं। अभी बांग्लादेश का इस क्षेत्र में दबदबा है। अगर उसे कोई चुनौती दे सकता है तो वह भारत है और उसमें भी बिहार। केंद्र में कपड़ा मंत्री रहा हूं, अपने अनुभवों और संपर्कों के बल पर कोशिश करूंगा कि बिहार टेक्सटाइल उद्योग का हब बने। बीते बुधवार को राज्य के उद्योग विभाग का कार्यभार संभालने वाले मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने गुरुवार को यह भरोसा जताया। बिहार में कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा, तेजस्वी यादव ने नीतीश पर बोला हमला, कहा इसी तरह खाली किया सरकारी खजाना। बिहार सरकार पर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की जांच के नाम पर फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। बिहार में विपक्षी दल के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कोरोना जांच में घोटाले को लेकर शुक्रवार को नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मीडिया ने कोरोना जांच को लेकर की जा रही कथित फर्जी एंट्रियों को उजागर किया है। आंकड़ों में फेर करके फर्जीवाड़ा चल रहा था। इसी तरह से कई सालों में सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने इस घोटाले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाबदेह ठहराया है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतने। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।